वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई डिश जिसका नाम है बैंगन। बैंगन तो आपने बहुत तरह से खाए होंगे, पर ये एकदम से डिफरेंट है। तो फ्रेंड चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुकर के अंदर तेल गरम कर लिए हैं। तेल के अंदर मैंने डालूँगी साबुत धनिया। तो फ्रेंड साबुत धनिया अच्छे से मैं गरम कर लूँगी ताकि बढ़िया सा इसका फ्लेवर आ जाए। तो फ्रेंड उसके साथ ही मैं डालूँगी एक प्याज और एक टमाटर और दो हरी मिर्ची। तो फ्रेंड मेरी क्वांटिटी बहुत कम है बैंगन की, तो इसलिए मैं एक एक करके डाल रही हूँ। अगर आपके बैंगन ज़्यादा हैं तो आप उसके हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हो। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्ची को भी अच्छे से डाल दिया है और मैं इसको भी अच्छे से फिर एक बार पिंक कर दूँगी। तो फ्रेंड तेल छूट चुका है, तो इसी के साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी सौंफ। तो फ्रेंड सौंफ डालने से इसके अंदर फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर सौंफ पीसा हुआ है तो फ्रेंड और भी बढ़िया लगेगा। पीसा हुआ उसका पाउडर डाल दीजिए आप 1/4। तो फ्रेंड देखिए, मैं अब इसको अच्छे से तेल छुड़ा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो मैं बैंगन आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसको आप पूरा वीडियो, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आप स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अब मैंने इसका तेल फाइनली छुड़ा दिया है, तो मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 1/4 हल्दी डाली है। हल्दी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है और मैं इसके साथ ही डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने से इसके अंदर थिकनेस आती है, धनिया पाउडर से फ्लेवर भी अच्छा आता है और ग्रेवी को अच्छा टेक्सचर भी मिलता है। तो साथ ही में मैंने डाल दिया है थोड़ी सी लाल मिर्च, और लाल मिर्च डाल के मैं फिर से इसको एक बार अच्छे से चलाऊँगी। तो फ्रेंड देखिए तेल भी छूट गया, और साथ ही मैंने एक बैंगन था तो फ्रेंड मैंने बैंगन को जैसे भी काट लिया है, आप देख लीजिए, आप किसी कोई भी शेप दे सकते हो। तो मैंने बैंगन को काट लिया और मैं हल्का से इसको ऊपर नीचे चलाऊँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं लीड को बंद कर दूँगी। अब मैं ढक्कन लगा के इसके अंदर करीबन 2 सीटी दिलवाऊंगी। फ्रेंड मेरे कुकर की सीटी जल्दी जल्दी बजती है, इसलिए मैं 2 लगवाऊंगी। अगर आपके कुकर में लेट सीटी आती तो आप 1 ही सीटी दिलवा दो। स्टीम को कुकर के अंदर ही रखिएगा। तो फ्रेंड देखिए मैंने कुकर को खोल दिया है, तो आप देखिएगा बैंगन एकदम से भूनकर और एकदम गले हुए बढ़िया सा रेडी हो गया। और आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड? देखने में तो एकदम डिलीशियस लग रहा है। तो फ्रेंड ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया बना है। तो प्लीज़ फ्रेंड, मैं तो आपको यही कमेंट्स करती हूँ कि आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो फ्रेंड अगर आपको लगता है कि बैंगन के अंदर थोड़ा सा पानी है तो आप फिर से एक बार गैस को जला दीजिएगा और उसको फिर से तेल छुड़ा दीजिएगा। और मैंने खूब अच्छे से इसको चलाया है और मैं अब इसको प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। प्लेट में शिफ्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड इसके ऊपर ही मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को भी मैं काट के इसी के ऊपर से डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स अब फाइनली ही हमारा बैंगन का सब्ज़ी बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए कितनी जल्दी झटपट बन गई है बैंगन की, और ये बहुत ही इजी है और बहुत ही बढ़िया बनती है। जब आपको कभी कुछ भी ना समझ में आए तो आप बैंगन काटो और सब कुछ डालो और 1 सीटी दिला दो सिंपली। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।